नाजिन कराम मैं जब छोटा था ना मदरसे में पढ़ता था तो हमारे उस्ताद साहब ना हमें टूर पे ले जाते थे काफ़ी सारे बच्चे होते थे मदरसे के अच्छा वो टूर पे हमें कहीं ऐसा नहीं कि कोई खेल कूद की जगह पर ले जाते हों इस तरह के भी टूर्स होते हैं बट हमारे उस्ताद साहब का एक निराला अंदाज़ था वो रूट बनाते थे कि पहले शहर कराची के कुछ मजार पाक पर हाजिरी फिर होते हुए सिंध समर सट्टा से होते हुए फिर आगे तो अलौलिया मुल्तान शरीफ और फिर आगे भी सफ़र लाहौर तक होता था नाजिन क़राम जब मुल्तान पहुँचते थे ना तो अलौलिया तो वहाँ पर हज़रत शाह रुकन आलम रहमत तल के मजार शरीफ पर भी हाज़री की सादत मिलती रही यकीन माने अल्लाह वालों के दरबार में वो रहमतों का नज़ुल और वो फ्यूज़ व बरक़ात हमें नज़र आए और वो नवाजिशों की बारिशें नजर आईं यकीन माने ये जो जाते हैं ना अकीदत लेकर और अदब तरीके से वो जानते हैं कि क्या फैज़ान है ओलिया अल्लाह का नाजी कराम आज सात जमाती हजरत सैदना शाहरुख ने आलम रही तय का उर्स मुबारक है और कितनी प्यारी बात है कि आई डी एस ने इस खूबसूरत मौके पर उर्स मुबारक की ये प्यारी सी महफिल सजा ली आप समझते हैं अल्लाह वालों के जिक्र पे कौन राजी होता है भाई अल्लाह वाले हैं अल्लाह के प्यारे हैं तो रब की रिजा का बायस है रफ़ की रिजा पाने का जरिया है सच्ची तो बात तो ये नाजन कराम कि बर सगीर पाको हिंद में जिन मुबारक हसीियों ने शब व रोज़ की कोशिशों से इस्लाम की नूरानी शमह रोशन की शम इस्लाम की बिखेरती किरणों से तारिक दिलों को जगमगाया भटकते जहनों को मरकज रुशद हदायत पर जमा किया प्यासी निगाहों को को मोहब्बत के जाम से सराब किया आदाब शरीयत की चांदनी से ठंडक बख्शी और गमों की तेज धूप में जलने वालों को अपनी जाते निशान का फराम किया। एक सिलसिला के अजीम पेशवा कुबुल अखताब मम्ब जूदो करम हजरत रुकन आलम अबुल फता शाह रुकनुद्दीन सोहरवदी रहमतुल्लाह ताला की जाति ग्रामी भी है आप साहिब व करामत बुजुर्ग थे आपकी बेशुमार करामत आज भी जबां जद आम है एक दरवेश कुतबताब हजरत शेख रुकनुद्दीन आलम की जियारत के लिए आया जब उसकी निगाह हजरत के चेहरा अनवर पर पड़ी जमाल ज़ाहिरी और कमाल बातिनी को देख कर वो दंग रह गया ये ये गौर कीजिएगा ये किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा यानी आया कौन और आया कहाँ? इस पर जरा फोकस कीजिएगा उसने अंदाजा लगाया कि हजरत शेख रुकनुद्दीन आलम के चेहरे की रानाई उनकी उस गजा की बदौलत है जो वो तनावल फरमाते हैं चुनाचे उस दरवेश ने दिल में यह कर लिया कि मैं लोगों की दी हुई गजा ना लूंगा बल्कि वो गजा इस्तेमाल करूंगा जो कि कुतबल अख्ताब इस्तेमाल करते हैं अलगरत शाम को जब मेहमानों के लिए खाना पेश किया गया तो उस दुर्वेश ने खाना खाने से इनकार कर दिया मैं तो वही खाना खाऊंगा जो कुतुबुल अक्ताब के लिए खास तैयार होता है ताकि हम भी जरा वही फैज मिले हमारे चेहरे पर भी वो रहना ही हो खुदाम ने उसे समझाया लेकिन वो ना माना खुदाम ने कहा भी कि उनके खाने में कुछ तकल्लुफ नहीं होता मगर वो राजी ना होता था चुनाच कुतबुल अखताब को इतला दी गई कुबुल अताब ने अपने दस्तरखान से उसके लिए खाना भेज दिया उस दरवेश ने जब कुबुल अताब का खाना देखा तो एक नान था जो नमक के बगैर था और तलख सब्जी थी अल्लाह अकबर नाजिम वो दरवेश देख कर शर्मिंदा हो गया और उसने अपना सर झुका लिया जब सब लोग खाने से फारिग होकर अपने अपनी ख्वाब गाहों की तरफ चले गए तो कुतबुल अताब ने उस दरवेश को बुलाया और फरमाया दरवेश गौर से सुनो हमारी शक्ल व शबाहत लतीफ़ो मजेदार खुराक की मरहून मन्नत नहीं बल्कि ये उस रूहानी गजा के सबब है जो अल्लाह व तौला ने अपने फजलो करम से आता फरमाइए यहाँ अगर मैं तस्करा ना करूँ ना तो मुझे एक तसली नहीं, नहीं, नहीं होगी यकीन माने कल रात की बात मदनी चैनल पर मैं अपने शेख तरीक तमीर सुनत की ज्यारत कर रहा था तो मैं देख रहा था ऐसा नूरानी नूर चेहरा सत्तर प्लस सेवेंटी प्लस आपकी एज है मगर चेहरे पर जो रानाई और जो नूर और क्या मतलब किस अंदाज से मैं बताऊं कि माशा तबारक माल ने क्या वकार आपको अता फरमाया है वही वाली बात आ गई ना अभी तो जब हमने वाकया सुना इसके बाद क्या हुआ कुतब ने उस दरवेश को हाथ से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया आपके सीने से मस होते ही उस दरवेश का सीना रोशन हो गया और वो आपके कदमों में गिर पड़ा और अपनी जसारत की माफी मांगी कुतुब लगता ने उसे कल्प की सफाई और रियाजत की तालीम दी नाजी ने कराम फिर पता है क्या हुआ वो दरवेश कुछ अरसे में ही वासिला ने हक के मरतब पर, पर फाइज हो गया सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमत जानने के लिए अभी हाफिज़ शायर का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके